शायद आप लोग ने तो लास्ट व्लॉग्स में स्पैम करके रखा हुआ है कि भाई शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। देखो ऐसा नहीं है कि हम वो अच्छी नहीं दिखती, अच्छी तो दिखती है, क्यूट भी दिखती है, लेकिन यार परेशान बहुत करती है। तो अमू का पत्ता कटे गाइस, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खूबसूरत से परेशान ना करने वाली भाभी ढूंढेगा, टेंशन मत लो। सात एग्जाम, एक बुक और 12-13 कपड़े है, पढ़ाई लिखाई हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आज अमू का लास्ट पेपर है और लास्ट पेपर उसका मतलब हो चुका है, तो अमू मैडम फाइनली फ्री हो चुकी है, उसे चल रहा हूँ मैं पिक करने के लिए। लेकिन यार आज एक चीज़ बुरी लग रही है कि अमू यहाँ से जाने वाली है, लाइक इतने दिनों से ना वो यहीं पर थी, उसके एग्ज़ाम जब से शुरू हुए थे ना तो 7-8 दिन से वो यहीं पर थी, तो मिलना वगैरह बहुत आसानी से हो रहा था। लेकिन आज गाइज अमू चली जाएगी थाने में, तो फिर मिलना थोड़ा कम हो जाएगा। और कल हम लोग गए थे, आपको पता है कि रूम वगैरह देखने के लिए, थोड़ा प्रॉपर्टी हंटिंग कर रहे हैं हम लोग फॉर रेंट, मतलब ऐसा नहीं खरीद नहीं रहे रेंट के लिए, क्योंकि अमू को कल्याण में शिफ्ट होना है। तो जैसा चाहिए वैसा फ्लैट नहीं दिख रहा और ज़्यादातर ओल्ड कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, जिनमें क्या है ना कि लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस आज अमू तो चली जाएगी थाने में, लेकिन मैं दोपहर को दोस्त के साथ जाऊँगा रूम देखने के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द शिफ्टिंग भी करनी है, इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल थोड़ा बिजी चल रहे हैं, थोड़ा सा फ्लैट वगैरह ढूंढ रहे हैं। बाकी गाइस आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त से मज़े कर रहे होंगे, और आपके भी अगर एग्ज़ाम्स होंगे तो सब बढ़िया जा रहे हो। लास्ट वक्त देखा हो जिसमें मुझे आरटीओ वालों ने पकड़ा था, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत सही था, कैमरा देख के मज़ा आ गया था। अभी चलता हूँ फटाफट से अमू को पिक करता हूँ, अभी तो अमू फ्री हो गई है गाइस, तो जल्दी हम लोग एक मस्त वाली राइड प्लान करेंगे, बहुत टाइम हो चुका है राइड करे हुए। और आपको पता है गर्मी का टाइम है ना यार, राइड करने का मन ही नहीं होता, दोपहर के टाइम में बाहर निकलने का इच्छा ही नहीं होता। और इतने दिनों से तो भाई शेड्यूल भी पैक था, लाइक अमू के एग्जाम्स चल रहे थे और प्रॉपर्टी भी ढूंढ रहे थे हम लोग, तो अभी तक तो फ्लैट मिला नहीं है। अब जाके गाइस फाइनली अमू के पेपर्स खत्म हो चुके हैं, तो अमू भी फ्री हो गई है, तो अभी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। घूमने वगैरह भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो एग्ज़ाम पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई वगैरह पहले इंपॉर्टेंट है, घूमना फिरना तो बाद में होते ही रहता है, इसलिए मैंने उसे मना कर रखा था बाहर जाने वगैरह भी, कहीं पर भी घूमने के लिए। तो अब तो एग्ज़ाम्स हो गए, तो अब हम लोग जाएंगे कहीं घूमने के लिए, मस्ती राइड करेंगे। तब तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। शायद आप लोग ने तो लास्ट व्लॉग्स में स्पैम करके रखा हुआ है कि भाई शादी कर लो, अमू से शादी कर लो। भाई अमू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और शादी भी करनी हुई मेरी तो मुझे बहुत टाइम है अभी शादी के लिए, अभी मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ, और शादी करनी हुई भी तो मैं अमू से क्यों करूँगा गाइस, मुझे बताओ। अमू इतना परेशान करती है मुझे, मैं उससे क्यों शादी करूँगा, है ना। देखो ऐसा नहीं है कि अमू अच्छी नहीं दिखती, अच्छी तो दिखती है, क्यूट भी दिखती है, लेकिन यार वो परेशान बहुत करती है। तो अमू का पत्ता कटे गाइस, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खूबसूरत सी परेशान ना करने वाली भाभी ढूंढेगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। और गाइस सब लोग पूछ रहे थे कि टायर डिलीवरी का क्या हुआ, टायर कब तक डिलीवर होंगे जो विनर से वो, तो भाई एक्चुअली में बात ऐसी है ना कि अभी तक सब लोगों ने एड्रेस नहीं दिया है, कुछ लोगों ने एड्रेस दिया, और अभी क्या ना गाइस एक एक करके डिलीवर करने नहीं जमेगा। आपको पता है कि बार बार हम लोग डिलीवर कुरियर करने वाले के पास नहीं जा सकते हैं ना, इसलिए गाइस एक बार सबका अगर एड्रेस मिल जाएगा ना तो हम लोग फटक से प्रोसीड कर देंगे डिलीवरी। तो डोंट वरी, जल्दी हो जाएंगे, आपके टायर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। और वंस मोर गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को, जो लोग मतलब विनर्स है, और जो लोग नई विनर्स बने उनको भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एंड डोंट वरी गाइस क्योंकि ये अपना आखिरी गिव अवे नहीं था, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो गाइस अपनी रॉ आर्मी बहुत बड़ी है और बहुत प्यार देती है, लेकिन मैं अकेला हूँ, और गाइस मेरी तरफ से जितना हो मैं हमेशा करने को ट्राई करता हूँ। आप लोग जितना प्यार देते हो ना मुझे, उसके बदले में मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको एंटरटेन करूँ और डेली व्लॉग्स भी डालूँ, और थोड़े मोड़े मेरी तरफ से गिव अवेज गिफ्ट्स भी दूँ आपको, क्योंकि आप लोग मुझे यार प्यार देते हो, वो भी बिना मुझे जाने। आप लोग कभी मुझसे पर्सनली मिले भी नहीं हो, फिर भी आप मुझे इतना प्यार देते हो भाई, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से सब्सक्राइबर भाई लोग भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई कोई तुम्हारा संडे राइड का प्लान वगैरह है तो बताओ करके, तो भाई एक्चुअली मैं कैसा रहता ना यार, मेरा कोई प्लान ही नहीं बनता, हमारा प्लान कभी नहीं होता, और जब भी प्लान बनता है ना गाइस हमारा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए हम लोग ना रैंडमली निकल जाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग प्लान बनाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, कोई ना कोई टांग देगा या कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसे करके प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग प्लान्स बनाते नहीं हैं, और रैंडमली जिस दिन राइड पर जाना रहेगा उसके पहली रात में अचानक से प्लान डिसाइड हो जाता है और निकल जाते हैं राइड पे। और बहुत से बार तो आपने देखा होगा कि मैं सोलो राइड ही करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है ना यार कि खुद को टाइम देना इंपॉर्टेंट है और सिर्फ राइड एंजॉय करनी है। देखो दोस्तों के साथ तो फन मस्ती बहुत होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि खुद को टाइम देना है, तो उस टाइम पर मैं सोलो राइड पर निकल जाता हूँ। यार ये अम्मू मैडम है कहाँ वो पता नहीं है, पहले तो उसे कॉल करना पड़ेगा।
वो भी गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन में, और वही क्या यार मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। देखो हम लोग उतना ज़्यादा दिखाते नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत चल रहे हैं हमारे लाइफ में भी, मतलब अपने अपने घर में, अपना अपना लाइफ को लेके, करियर को लेके, तो दोनों के प्रॉब्लम्स चालू है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं आपको हंसाने, एंटरटेन करने, और ना कि परेशान करने। चलो पहले तो मैडम को कॉल करके पूछता हूँ कहाँ पर है। और मैडम जी फाइनली सारे पेपर ख़त्म हैं? अच्छा क्या पेपर कॉपी किया? नहीं किया। अच्छा अच्छा कुछ भी कॉपी नहीं किया। देख रहे हो भाई कितनी अच्छी लड़की है, सारा कचरा साथ में लेके जा रही है, कुछ तो अच्छा काम करती है। अब कचरा कचरे को लेके जाएगा ना ये। बाप रे इतनी गर्मी में परेशान हो गई। अच्छा ऐसा हुआ? हम लोग कॉलेज से निकले और कॉलेज में किसी का तो झगड़ा हो गया, तो हमने अपना ड्रामा मिस कर दिया। कमी नहीं, उसको दूसरों के ड्रामे देखने हैं। अभी घर पे चले जाएगी ना तू? गाइस अभी हम जा रहे हैं ठाणे। बाय बाय। अरे बाप रे इतने टाइम के कपड़े वपड़े लेके आई थी, बुक्स तो लाई नहीं होगी? क्या लेकर के आई है? बुक्स तो लाई नहीं रहेगी तो कुछ? एक है ना, एक बुक। देख रहे हो 7 एग्जाम, एक बुक और 12-13 कपड़े हैं। पढ़ाई लिखाई एग्जाम में कपड़े रिपीट नहीं करने का। ओके ओके, हम लोग तो 2 जोड़ी अल्टरनेट पहनते रहे बस। चल वेट, और अब थोड़ा कम ही मिलेंगे अमू मैडम से, मिल नहीं पाएगी अमू मैडम हमसे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से जाएगी? अब तो आज़ाद हो गई है। अब मैं आज़ाद हो गया, एक्चुअली अब मैं आज़ाद हो गई। अब तो बिंदास सो सकते हैं, पहले जैसा दिन रात घोड़े बेच के। नुस्ता गाइस ये ना नुस्ता घोड़े बेच के सच्ची में दिन रात सोते रहती है। कैमरा चालू है ना? चालू है। मैं अभी नहीं सो पाऊंगी, जॉब देखना है मेरे को। हाँ तू आ जा जाके लेके, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। कहीं जम्मू को कुछ काम आ गया था तो हम लोग डोंबिवली आ गए थे। एक्चुअली में उसके भांजे का रिजल्ट वगैरह लेना था उसको, और डोंबिवली जाने के चक्कर में फ्यूल भी खत्म हो गया, तो अभी चल रहे सबसे पहले फ्यूल डलाने के लिए। भाई धूप तो इतनी भयंकर है ना कि हालत ख़राब हो रही है, धूप लग गई है सिर में भाई। ओके भाई फ्यूल डला लिया रप-रप से, अभी निकलते हैं रिटर्न। अभी गाइस मुझे अम्मू को छोड़ना है स्टेशन पे, अम्मू ट्रेन से चली जाएगी क्योंकि धूप बहुत है ना यार, बाइक से जाते थे हालत बिल्कुल भी दया नहीं है। भाई धूप से सिर उठ गया मेरा, पता नहीं गाइस अम्मू मुझे कार कब दिलाएगी। जल्दी मुझे अम्मू कार दिलाने वाली है। एक बार अम्मू मुझे कार दिलाएगी तो मैं कार में घूमूंगा, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा धूप का। ओके पर धूप लग गई तो सच बोल दिया मैंने ना। ओके हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हुई, काट देना। ओके चल भाई ध्यान रख खुद का, ठीक है संभाल के जा, टेक केयर, पहुँच के मुझे कॉल कर दे। बाय सी यू टाटा। कैश चाहिए है ना? ठीक है तो चलो भाई अम्मू मैडम को तो मैंने छोड़ दिया, अभी निकलते हैं घर पे। भाई धूप लग गई है सिर में और घर पे कुछ काम भी है, फिर दोपहर को मुझे रूम देखने भी जाना है और शाम को बाहर भी जाना है, थोड़ा काम भी है। तो अभी फटाफट घर जाके ना ब्लॉग एडिट कर लूँगा, आज का जिम्मेदारी जल्दी ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद बाहर भी जाना है ना, वरना आपको पता है कि जब तक ब्लॉग एडिट ना हो, अपलोड ना हो ना, मुझे चैन नहीं आता। तो बस गाइस इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।